हेलो बच्चों, आज हम लोग हाइड्रोकार्बन के बारे में जानेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, आइए देखते हैं कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं जो कार्बन तथा हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, यानी ऐसे यौगिक जिनका निर्माण सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन तत्वों से होता है उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। मतलब कि अगर कोई भी हाइड्रोकार्बन है तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि उसमें कार्बन है कि नहीं, हाइड्रोजन है कि नहीं, बस इसके अलावा कोई और एलिमेंट्स उसमें नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CH4 कार्बन है हाइड्रोजन है, C2H4 कार्बन है हाइड्रोजन है, C2H6 कार्बन है हाइड्रोजन है, C2H2 कार्बन है हाइड्रोजन है। अगर मान लीजिए आपसे कोई ये पूछ दिया जाता है, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछ देता है आपसे, कोई पूछता है कि C2H5OH ये हाइड्रोकार्बन है कि नहीं, तो हाइड्रोकार्बन नहीं है क्योंकि कार्बन है हाइड्रोजन है हाइड्रोजन है लेकिन बीच में क्या ऑक्सीजन आ गया। और हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व उपस्थित होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त कोई अदर एलिमेंट्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए देखते हैं कि टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक या ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड उपस्थित होते हैं, यानी कार्बन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन के मिडिल में सिर्फ क्या पाए जाते हैं, एकल बंध पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब कार्बन की जो चारों संयुक्ताएं होती हैं यदि एकल बंध द्वारा संतृप्त होती हैं तो उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, CH4 का जब स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन 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 देख रहे हैं कि यहाँ भी सिंगल सिंगल, यानी जो कार्बन के साथ बॉन्ड लगे हुए हैं चारों वैलेंसी उसकी है सब सिंगल बॉन्ड द्वारा क्या है, सेटिस्फाइड है। और ये भी याद रखेंगे कि जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं वो अल्केन होते हैं। क्या होते हैं, अल्केन होते हैं। जैसे दूसरा देखते हैं C2H6, तो जब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे तो CC यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी देख रहे हैं कि सभी के सभी बॉन्ड क्या है, सिंगल है। यानी कार्बन के साथ चारों वैलेंसी जो है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड द्वारा संतृप्त है। तीनों को कहते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध अथवा एक त्रिबंध उपस्थित होता है उसे हम कहते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहा जाता है हिंदी में। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य कम से कम एक द्विबंध अथवा त्रिबंध उपस्थित होते हैं उन्हें अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं C2H4, ठीक ना, तो C2H4 जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे CC यहाँ पे बना लेंगे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो देख रहे हैं कार्बन और कार्बन के मिडिल में क्या है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे C2H2, तो जब इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो C और C कार्बन कार्बन के मिडिल में ट्रिपल बॉन्ड आता है और कार्बन के साथ एक सिंगल इधर और एक सिंगल, यानी इनके मिडिल में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। ये वाला क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है।
तो जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। बच्चों आज हम लोगों ने जाना कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कार्बन तथा हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, एक संतृप्त सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक अनसंतृप्त अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन उन्हें कहते हैं जिनमें कार्बन की चारों संयुक्ताएं एकल बंध द्वारा संतृप्त होती हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक द्विबंध अथवा एक त्रिबंध उपस्थित होता है, उसे हम कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मोस्टली क्या होते हैं, अल्केन होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, या तो अल्कीन होते हैं या तो अल्काइन होते हैं। क्या होते हैं, अल्काइन। उम्मीद है बच्चों ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। और आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंटेंट लगभग पर डे एक सीक्वेंस में दिया जाएगा।